नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेल कंपनी का आप पेट्रोल पंप कैसे ओपन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है, जैसे कि अगर आपको सेल कंपनी का पेट्रोल पंप सेटअप करना है तो इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, और सेल कंपनी जो है आप लोगों को कितना बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू जो है आप सेल कंपनी का रिटेल आउटलेट आप ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि आपको पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, और मैंने आपको यह भी बताया है कि आपको जो है सेल कंपनी आपको पर लीटर फ्यूल के सेल पे जो है आपको कितना कमीशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको सेल कंपनी के पेट्रोल पंप के लिए अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग और बिजनेस के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम को जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जो है आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज जो है बिजनेस के रिगार्डिंग और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। सेल जो कंपनी है, इस कंपनी का पूरा नाम रॉयल डच सेल है, और ये जो कंपनी है ये एक एंग्लो डच मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। और इस कंपनी के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, और इस कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो 1907 में हुआ था। और अगर हम लोग इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी जो है LNG यानी कि लिक्विडफाइड नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, देन लुब्रिकेंट, ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके साथ साथ सेल कंपनी जो है आप लोगों को रिटेलरशिप और डीलरशिप की भी जो है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग सेल कंपनी के बिजनेस नेटवर्क के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है 75 कंट्रीज में जो है अभी ये काम कर रही है। और सेल जो कंपनी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 सप्लायर है लुब्रिकेंट में। और सेल जो कंपनी है अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 8 स्टेट में जो है ये काम कर रही है, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, आसाम हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, मेघालय हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ। तो फ्रेंड, जितना भी मैंने आपको 8 स्टेट बताया, इसके अलावा भी जो है सेल कंपनी अपने बिजनेस नेटवर्क को और भी स्टेट में एक्सपेंड करना चाहती है। इसलिए सेल कंपनी जो है आप लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड कर रही है। अगर आप सेल कंपनी का फ्यूल स्टेशन ओपन करना चाहते हैं यानी कि पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं, तो आप जो है सेल कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के जो है आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे कि आपको सेल कंपनी जो है कितने प्रकार के बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप आप ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पे सेल कंपनी जो है आप लोगों को दो तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। पहला जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको रिटेलरशिप बोलते हैं, एंड जो दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको डीलरशिप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे जो है हम लोग वन बाय वन करके सेल कंपनी के जितने भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं कि अगर आप सेल कंपनी के रिटेलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा लैंड होगा जहाँ पे हायर सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके बाद वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका टॉयलेट हुआ, ऑफिस हुआ, कन्वेंस स्टोर हुआ, उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपनी यहाँ पे आपको बिल्डअप करके देती है। उसके बाद जो है रिटेल आउटलेट में जो है आपको फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल सेल करने के लिए जो है आपको कंपनी ही यहाँ पे प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पे लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल का जो इन्वेस्टमेंट है वो डीलर को ही करना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ पे रिटेलरशिप में सेल्स का टारगेट रहता है। कंपनी यहाँ पे जो है आपको मंथली सेल टारगेट देगी, अगर आप उसको अचीव करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि डीलरशिप में जो है आपको कोई भी सेल का टारगेट नहीं दिया जाता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो भी अपने रिटेल आउटलेट में मेन पावर आप हायर करेंगे वो जो मेन पावर है वो रिटेलर के पेरोल पे होगा। उसके साथ साथ जो है डीलर में भी वही सेम केस है, डीलर में अगर जो भी मेन पावर हायर होगा वो डीलर के पेरोल पे होगा। देन उसके बाद रिटेलरशिप या डीलरशिप किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप जुड़ते हैं तो कंपनी यहाँ पे जो है आपके मेन पावर को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद यहाँ पे रिटेल आउटलेट में जो है आपको पर मंथ के सेल्स पे जो है आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाता है। अगर यहाँ पे आप सेल कंपनी का डीलरशिप आउटलेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे आपको 2 से 3 रुपया आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो भी रिटेल आउटलेट रहेगा तो वहाँ का जितना भी मेंटेनेंस होगा और मैनेजमेंट होगा वो रिटेलर को ही यहाँ पे देखना पड़ेगा।
सेम केस जो है आपका डीलर में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेलरशिप में जो है आपको कोई भी रॉयल्टी जो है आपको कंपनी को नहीं पेड करना पड़ता है, पर आप यहाँ पे डीलरशिप आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको पर मंथ यहाँ पे जो है आपको सेल कंपनी को रॉयल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेल आउटलेट का जितना भी मशीन होगा आपका, जो भी पेट्रोल पंप होगा उसका, वो सारा मशीन जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद यहाँ पे डीलरशिप का अगर आउटलेट होगा तो वहाँ पे जितना भी मशीन लगेगा आपके पेट्रोल पंप में, वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डीलर को ही करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो यहाँ पे अगर आप रिटेलर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको 18 से 20 लाख रुपए करना पड़ेगा। अगर आप डीलर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 20 लाख से लेकर जो है आपका 1 करोड़ 50 लाख तक जो है आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सेल कंपनी का रिटेलरशिप या डीलरशिप का आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको अपने रिटेलरशिप आउटलेट या डीलरशिप आउटलेट में कौन कौन से सेल कंपनी के सर्विस आपको रखने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, पहला जो सर्विस है आपको वहाँ पे फ्यूल का रिटेलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे सेल कंपनी का जो है दो प्रकार के जो है फ्यूल आपको दिए जाएंगे। पहला जो फ्यूल है आपको इकोनॉमी रेंज के जो है पेट्रोल और डीजल आपको दिए जाएंगे, यानी कि जो भी मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे जो है आप सेल कंपनी के रिटेल आउटलेट या डीलरशिप के आउटलेट पे जो है पेट्रोल और डीजल जो है आप परचेस कर सकेंगे। उसके बाद सेल कंपनी का यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी का भी जो है पेट्रोल और डीजल यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि वी पावर ब्रांड के नाम से आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल कंपनी जो है आप लोगों को वी पावर डीजल और पेट्रोल भी जो है आप लोगों को यहाँ पे आपके रिटेल आउटलेट या डीलरशिप के आउटलेट में आप लोगों को देगी। आप उसको भी जो है कस्टमर को सेल कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि सेल कंपनी का जो वी पावर का पेट्रोल और डीजल जो आता है वो आप जो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल जो मार्केट में बिकता है उस रेट से जो है आपका 5 से 10 रुपया आपको महंगा जो है आपको मार्केट में सेल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको सेल कंपनी का रैपिड ल्यूब सर्विस सेंटर जो है आपको वहां पे ओपन करना पड़ेगा। कहीं कहीं पे इसको जो है क्विक ल्यूब सर्विस सेंटर करके भी जो है बोला जाता है, जहां पे आप अपने कार को वॉश करवा सकते हैं, सर्विस करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने कार का मोबिल चेंज करवाना है, यानी कि ऑयल चेंज करवाना है, तो आप ऑयल भी वहां पे चेंज करवा सकते हैं। अगर आपके कार में अगर कोई भी जनरल कोई भी प्रॉब्लम होगा अंडर चार्जेस, तो वो भी आप वहां पे सही करवा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अपने रिटेल या डीलरशिप के आउटलेट में जो है एक कन्वीनियंस स्टोर का जो है आपको वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल कराना पड़ेगा। जो भी आपका लोकल टेस्ट होगा उसी के हिसाब से जो है आप अपने कन्वीनियंस स्टोर में जो है आप इन्वेंटरी जो है आप मैनेज करेंगे। जैसे कोई भी अगर जर्नी कर रहा हो या ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल के दौरान कौन कौन से आइटम की रिक्वायरमेंट रहती है जर्नी या ट्रैवल के समय में, वैसे आइटम जो है आपको अपने कन्वीनियंस स्टोर में जो है आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि स्नैक्स का आइटम हुआ, बेकरी का आइटम हुआ, देन उसके बाद जो है आप बहुत सारे चॉकलेट रख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक रख सकते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे FMCG के प्रोडक्ट है जो आप अपने कन्वीनियंस स्टोर में जो है आप रखेंगे। उसके बाद जो है आपको सेल कंपनी आपको नाइट्रोजन फिलिंग का भी आप लोगों को फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद जो है आप वहां पे यूरो कार्ड भी जो है आप वहां पे स्वाइप कर सकते हैं, पे जो है आपको लॉयल्टी बोनस भी जो है आपको क्रेडिट होगा आपके कार्ड में। देन उसके बाद गो प्लस की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। सेल कंपनी का जो है गो प्लस का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पे आप ऑनलाइन जो है आप बहुत सारी चीज ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो फ्रेंड्स, आप लोग प्ले स्टोर में जाके आप सेल गो प्लस का आप एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपको अपने या डीलरशिप के आउटलेट में जो है आपको मोटरवे सर्विस भी जो है आपको वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल कराने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको वहां पे टॉयलेट का भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो है आपको सेल कंपनी के रिटेल या डीलरशिप के आउटलेट को जो है आपको 24/7 जो है आपको ओपन रखना पड़ेगा। जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हॉलीडे डिसाइड नहीं किया जाता है, तब तक जो है आपका सेल कंपनी का जो रिटेल आउटलेट रहेगा या डीलरशिप का आउटलेट रहेगा वो 24/7 जो है आपका ओपन रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है कि फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि अगर आप सेल कंपनी का रिटेल आउटलेट या डीलरशिप का आउटलेट ओपन करते हैं तो इसके लिए कंपनी की तरफ से जो है आपके लिए क्या बेसिक क्राइटेरिया बनाया गया है। सबसे पहला जो बेसिक क्राइटेरिया है, जो भी एप्लीकेंट सेल कंपनी का पेट्रोल पंप के लिए अप्लाई करना चाहता है रिटेलरशिप या डीलरशिप के अंदर, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद उस एप्लीकेंट का जो एज है वो 28 साल से लेकर 60 इयर्स के बीच में होना चाहिए। देन उसका जो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम जो है ग्रेजुएट होना चाहिए या उससे इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसके बाद जो है उस एप्लीकेंट के पास में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उस एप्लीकेंट का जो 5 साल का एक्सपीरियंस है वो किस इंडस्ट्री में होना चाहिए वो इंडस्ट्री यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटेल इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, ये सारे इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस रहेगा तभी कंपनी की तरफ से जो है आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो है आपको बेसिक क्राइटेरिया में दिखाया है। अगर आपके पास में रिटेलरशिप के लिए 18 लाख का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, तभी जाकर जो है आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए सोचें।
अगर आपको डीलरशिप आउटलेट ओपन करना है सेल कंपनी का, तो आपके पास में 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपको जो है मैन पावर को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट बेसिक क्राइटेरिया है, आपके पास में जो है एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने रिटेल आउटलेट या डीलरशिप आउटलेट का जो है फाइनेंशियली स्टेटमेंट को जो है आप मैनेज कर सके, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उसके साथ साथ जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है ड्राइव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे बेसिक क्राइटेरिया अगर आपके अंदर होंगे तभी जो है आपको सेल कंपनी जो है आपको प्रीफर करेगी। या अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सेल कंपनी का रिटेलर से बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। पहला जो इन्वेस्टमेंट है, आपको कंपनी में सिक्योरिटी मनी आपको सबमिट करना पड़ेगा 7 लाख रुपीज़ का। उसके बाद जो है आपको रिटेलर का लाइसेंस और रिटेलर किट देने में जो है आपको 3 लाख रुपये कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा इन्वेस्टमेंट है, आप सेल कंपनी का जो रिटेल आउटलेट ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है सेल कंपनी का सेल कनेक्ट कन्वेंस स्टोर होगा, तो उसका इन्वेंट्री में जो है आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और वर्किंग कैपिटल जो है आपको कुछ रखने पड़ेंगे। तो ये टोटल को मिला के जो है आपको 8 लाख रुपया आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट को अगर आप काउंट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 18 लाख रुपया आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि आपको सेल कंपनी जो है आपके रिटेलरशिप आउटलेट पे आपको कितना कमीशन प्रोवाइड करती है और आपके रिटेल आउटलेट से पर मंथ का आपको नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे रिटेलरशिप के कमीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सेल कंपनी जो है आपके रिटेल आउटलेट पे 35 से 40% का जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन आपसे शेयर करती है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे जो भी मैंने कमीशन बताया वो आपका वेरी करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने दिखाया है कि अगर आप अपने रिटेल आउटलेट से अगर 5000 लीटर पेट्रोल और डीजल पर डे का सेल करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप अपने रिटेल आउटलेट से पर मंथ का जो है 3 लाख लीटर जो है आप पेट्रोल और डीजल का सेल करते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि आप अपने रिटेल आउटलेट से पर ईयर का 36 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल का जो है आप सेल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने रेवेन्यू दिखाया है कि आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट जो है आप अपने रिटेल आउटलेट से पर एनम का आप अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 से 40% जो है आपको सेल कंपनी आपके रिटेल आउटलेट पे जो है आपको प्रॉफिट शेयरिंग करती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप 40% अगर आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे 14,40,000 रुपया पर ईयर का जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है आपके रिटेल आउटलेट का। तो यहाँ पे देख कुछ मैंने नोट में लिखा है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेल कंपनी का रिटेल आउटलेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेल कंपनी की तरफ से जो है आपको मंथली सेल टारगेट भी आपको दिया जाता है। अगर आप उस सेल टारगेट को अचीव करते हैं तो सेल कंपनी की तरफ से जो है आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी जो है आपको दिया जाता है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सेल कंपनी का कन्वेंस स्टोर हुआ या सेल हेलिक सर्विस सेंटर हुआ या लुब्रिकेंट हुआ, ये सारे का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है ये आपका पूरा वेरी करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे सेल कंपनी का रिटेलशिप आउटलेट ओपन करना चाहते हैं। अगर आप ये सारे का प्रॉफिट ऐड करें तो कहीं ना कहीं आपको पर एनम जो है आपको अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देख रहे मैंने दिखाया है कि आपका जो भी रिटेल आउटलेट रहेगा तो वहाँ पे जो है आपको ईयरली क्या क्या एक्सपेंसेस लगेंगे। पहला जो एक्सपेंस है, आपको वहाँ पे 8 नंबर ऑफ आपको स्टाफ रखना पड़ेगा 24/7 आपको सर्विस ऑफर करने के लिए। तो यहाँ पर स्टाफ का मैंने सैलरी जो है 7000 पर हेड यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं पर ईयर का जो सैलरी है आपको 6,72,000 रुपये जो है आपको यहाँ पर एक्सपेंस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अपने आरओ यानी कि रिटेल आउटलेट का जो है मैनेजर जो है आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी यही बोलती है कि अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हैं तो वहाँ का मैनेजर जो है यानी कि आप अपने रिटेल आउटलेट का जो मैनेजर है आप खुद ही रहें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सैलरी नहीं दिखाया है। उसके बाद जो आपका रिटेल आउटलेट रहेगा उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पर ईयर का 1,20,000 रुपये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे आपका जो भी रिटेल आउटलेट रहेगा उसका मेंटेनेंस का पर ईयर का जो खर्च है मैंने 60,000 यहाँ पे कंसीडर किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस खर्च मैंने दिखाया है पर ईयर का 60,000। अगर आप ये सारे ईयरली एक्सपेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल ईयरली एक्सपेंस है 9,12,000 रुपया यहाँ पे आने वाला है। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि आपके रिटेल आउटलेट से पर एनम का नेट प्रॉफिट कितना होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हैं जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है आपके रिटेल आउटलेट का यहाँ पे देख रहे दिया हुआ था 14,40,000 रुपया। यहाँ पे मैंने आपके ग्रॉस प्रॉफिट से ईयरली एक्सपेंस को माइनस किया है। तो यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट है पर एनम का आपके रिटेल आउटलेट का 5,28,000 रुपया आने वाला है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे सेल कंपनी का कन्वेंस स्टोर हुआ, उसके बाद लुब्रिकेंट हुआ, देन उसके बाद जो है आप जो भी सर्विस सेंटर ओपन करेंगे 4-व्हीलर के लिए, तो वो सारे का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। अगर आप सेल कंपनी के ये सारे सर्विस का अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉफिट है वो आपका 10 लाख पर एनम का जो है आपका क्रॉस कर जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 18 लाख रुपए करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपका ये प्रॉफिट आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है आप पहले जज कीजिए, तो उसके बाद ही जो है आप सेल कंपनी का रिटेलरशिप आउटलेट आप ओपन करें। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सेल कंपनी के डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़ के आप डीलरशिप आउटलेट सेल कंपनी का ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे जो पहला इन्वेस्टमेंट है, आप जो भी लैंड पे आप सेल कंपनी का डीलरशिप आउटलेट ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आपको उस लैंड का जो है आपको 3 साइड बाउंड्री वॉल जो है आपको उठाना पड़ेगा, फिर टॉयलेट बनाना पड़ेगा, ऑफिस बनाना पड़ेगा, ड्राइववे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कैनोपी आपको बनाना पड़ेगा, फ्लोरिंग बनाना पड़ेगा, ब्रांड लाइट हुआ, लाइटनिंग हुआ, पाइपलाइन वर्क हुआ, ये सारे में जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 50 लाख रुपीस का करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका सेकंड इन्वेस्टमेंट है आपको मशीनरी और इक्विपमेंट में आपको लग जाएगा, आपको 20 लाख का जो है आपको इन्वेस्टमेंट जो है मशीनरी में आपको आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपको अपने डीलरशिप आउटलेट के लिए जो है आपको फ्यूल आपको परचेस करना पड़ेगा, पेट्रोल और डीजल, तो उसके लिए जो है आपको 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आप जो भी अपने डीलरशिप का आप लाइसेंस इशू करेंगे तो उसके लिए जो है आपको 5 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगने वाला है। देन उसके बाद आपको अपने डीलरशिप आउटलेट में जो है आपको साइलेंट जनरेटर जो है आपको 15 से 20 kVA का आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आपको वाटर कूलर यानी कि वाटर की फैसिलिटी के लिए जो है आपको वाटर कूलर भी वहाँ पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए जो है आपको 5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 1 करोड़ 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक आपको आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि अगर आपके पास में 1.5 करोड़ का यानी कि 1.5 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तभी आप सेल कंपनी के डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में आप जुड़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको सेल कंपनी जो है आपके डीलरशिप आउटलेट पर लीटर पेट्रोल और डीजल के सेल पे जो है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग यहाँ पे कमीशन की बात करें तो यहाँ पे सेल कंपनी जो है आपके डीलरशिप आउटलेट पे जो है आपको 2 से 3 रुपया पर लीटर पेट्रोल और डीजल के सेल पे आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर आप डीलरशिप आउटलेट ओपन करते हैं तो आपका पर मंथ का आपको कितना नेट प्रॉफिट होने वाला है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप सेल कंपनी का डीलरशिप आउटलेट ओपन करते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे जो है आपको लेने पड़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे लाइसेंस की बात करें तो जो सबसे पहला लाइसेंस है आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो है आपको NOC लेना पड़ेगा, SDM हुआ उससे आपको NOC लेना पड़ेगा, SP हुआ उससे भी NOC लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रहता है उससे भी आपको NOC लेना पड़ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हुआ, फायर डिपार्टमेंट हुआ। अगर आप सेल कंपनी का डीलरशिप आउटलेट अगर आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे ओपन करना चाहते हैं तो आपको जो है उस अथॉरिटी से जो है आपको NOC लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से भी जो है आपको NOC लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट से जो है आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से और वेट मेजरमेंट डिपार्टमेंट से भी जो है आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको सेल कंपनी का रिटेलरशिप या डीलरशिप के अंदर जो है आपको सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना है तो इसके लिए जो है आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको सेल कंपनी का रिटेलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। इस पेज का लिंक जो है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद जो है आपको पूरा नीचे आ जाना है और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा रिटेलर का, तो यहाँ पे जो है आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। पहला जो है यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, उसके बाद मिडिल नेम आप लिखेंगे, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे देख रहे क्या लिखा हो एम्प्लॉय इंटरप्रेनर। यानी फ्रेंड्स अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं और या आप कोई व्यवसाय करते हैं यानी कि बिजनेस करते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना स्टेटस जो है लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री, अगर आप जॉब करते हैं तो करंट कौन से इंडस्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका करंट व्यवसाय किस सेक्टर में है वो आप यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे क्या पूछा गया है कि अगर आप सेल कंपनी का रिटेलरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप कितना तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे जैसे 15 लाख रुपए लिखा हुआ तो यहाँ पे आप 18 लाख भी कर सकते हैं, 20 लाख भी जो है आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा ये आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं करेंट कंपनी और बिजनेस नेम, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका करंट कंपनी का नाम क्या है वो आपको कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी कि आपको कितने साल का ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे कि मिनिमम जो है वो 5 ईयर्स का है, जैसे कि मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया में बताया था कि आपको मिनिमम जो है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप सेल कंपनी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे जो है आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जो है कुछ ही स्टेट यहाँ पे आपको दिए रहेंगे और यहाँ पे जो है आपको अदर सेलेक्ट करना है। उसके
बाद जो है यहाँ पे आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना सिटी लिखना है, पिन कोड, और यहाँ पे आपको मैसेज टाइप करना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर द सेल रिटेलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना एक CV बनाना है और उस CV को जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। याद रहे, आप जो भी CV बनाएंगे उसमें जो है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए और आप अभी करेंट बिजनेस क्या करते हैं, उसका फाइनेंशियल टर्नओवर कितना है, प्लस आप अपने बिजनेस में किस प्रकार का बिजनेस जो है कैरी आउट करते हैं, वो सारा चीज़ जो है उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे देखकर क्या लिखा होगा, आर यू एग्जिस्टिंग ऑयल एंड गैस डीलर और रिटेलर। क्या अभी आप किसी ऑयल एंड गैस कंपनी का डीलर या रिटेलर हैं, तभी आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। उसके बाद जो है आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म जो है कंपनी के डाटाबेस में सबमिट हो जाएगा और कंपनी की तरफ से जो है आपको 15 डेज के अंदर जो है आपको कॉल आएगा अगर आपके लोकेशन के लिए कंपनी इंटरेस्टेड रहेगी अगर रिटेल आउटलेट ओपन करने के लिए, तभी कंपनी जो है आपको कॉल करेगी, अदरवाइज जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आपको सेल कंपनी का डीलरशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको इस पेज पे आना पड़ेगा। मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर देखकर क्या लिखा हो, सेल पार्टनर डीलरशिप अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, यहाँ पे जो है आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फिल करना है, ईमेल आईडी और यहाँ फोन नंबर, यहाँ पे करंट लाइन ऑफ बिजनेस यानी कि आप अभी किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल है, मीडियम है, लार्ज है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बोला गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप डीलरशिप आउटलेट ओपन करते हैं सेल कंपनी का, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपको 1,20,00,000 से लेकर 1,50,00,000 तक जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है आप जिस लोकेशन पे आप सेल कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हैं आपको उस लोकेशन का यहाँ पे जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि डू यू हैव ए पीस ऑफ लैंड, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, पर यहाँ पे कंपनी उसी को ज़्यादा प्रीफर करती है जिसके पास जो है खुद का लैंड होता है। यहाँ पे जो है आपको लैंड का एड्रेस शेयर करना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में जो है आप यहाँ पे सेल कंपनी का डीलरशिप आउटलेट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा स्टेट का जो है आपको नाम दिख जाएगा, यानी कि सेल कंपनी जो है अपना डीलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है स्प्रेड करना चाहती है, यानी कि एक्सपैंड करना चाहती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, अगर आप सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना चाहते हैं तो आप सेल कंपनी का डीलरशिप अपॉर्चुनिटी के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप सिटी मेंशन करेंगे, यहाँ पे पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैसेज टाइप करना है कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर द डीलरशिप आउटलेट ऑफ सेल कंपनी, और यहाँ पे आपको अपना रिज्यूमे जो है आपको अच्छे तरीके से बना के जो है यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि 15 दिन के बाद जो है आपको यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी की तरफ से कॉल आएगा अगर आपकी लोकेशन के लिए सेल कंपनी इंटरेस्टेड होगी डीलरशिप आउटलेट ओपन करने के लिए। तो उसके बाद अगर आपको कंपनी में डायरेक्टली कॉल करके रिटेलरशिप और डीलरशिप की इंक्वायरी करना है तो उसके लिए जो है आपको डायरेक्टली नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे कॉन्टैक्ट अस है, आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाना है। जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे क्या लिखा हुआ है, फॉर जनरल एंड न्यू बिजनेस रिलेटेड इंक्वायरीज। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी दिया गया है, आप इस ईमेल आईडी पे कॉल करके जो है आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे 2 नंबर दिए गए हैं, आप इस दोनों नंबर पे किसी भी एक नंबर पे कॉल करके जो है आप सेल कंपनी के रिटेलरशिप या डीलरशिप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल करने का जो टाइमिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसी टाइमिंग के दौरान जो है आप कंपनी में कॉल करें, तभी जो है आपको कंपनी की तरफ से रेस्पॉन्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आपको सेल कंपनी का पेट्रोल पंप ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वे सेल कंपनी के पेट्रोल पंप कैसे ओपन कर सके, उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।